झारखंड की राजधानी रांची में 13 माह से बकाया वेतन और अन्य मांगों को लेकर HEC के इंजीनियरों का विरोध प्रदर्शन पिछले 38 दिनों से जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को धुरवा गुलचक्कर से HEC मुख्यालय तक ताली थाली बजाते हुए पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में मात्र उद्योग HEC बचाओ के बैनर तले निकाला गया। कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप भी पैदल मार्च में शामिल हुए। मार्च में शामिल राजेश कच्छप ने कहा कि HEC ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इसे बचाने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस भी जोरदार प्रदर्शन करेगी। बात करूं, अगर दूसरे सांसद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन रांची में हमारे चार सांसद है। रांची में चार सांसद क्या अपने जो मातृ भूमि है, अपना जो मातृ उद्योग है, या आप अपने अभी सदन चल रहे हैं, आप क्या नहीं रख पाएंगे चीज को? और सिर्फ रखने की मैं बात नहीं करता हूँ, अड़ने की मैं बात करता हूँ। पढ़िए, वहाँ पे केंद्र सरकार के पास रहिए और ये दो टूक कहिए कि अगर आपको झारखंड में अगर आपको पुनः यहाँ पे जनमत चाहिए तो HEC को आपको बचाना होगा, अन्यथा यहाँ का जनमत का आप बुला देंगे। आपको ये कहना होगा कि राजनीति करके यहाँ पे हम HEC को नहीं बचा सकते। HEC को अगर आज हमको बचाना है, मेरी भी जिम्मेवारी है, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। मेरे क्षेत्र खिजड़ी विधानसभा के अंतर्गत मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन चूंकि केंद्र के अधीन है यह संस्थान, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके कुछ साथियों के साथ में एक गहन विषय पर वार्ता करने का आग्रह किया है। सिर्फ आप वार्ता न करें, इस दिशा में रास्ता कैसे निकलेगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ। और अगर जरूरत पड़े, 7,000 एकड़ जमीन है, मैं चाहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार HEC को नहीं चला पा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर करे। चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास सिर्फ पुरुष है, आप विकास अब करना चाहते हैं, HEC के लोगों का भला करना चाहते हैं, झारखंड वासियों का भला करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि केंद्र तो गूंगी बैठी हुई है, केंद्र में केवल गूंगी में नहीं बहरी बैठी हुई है। गूंगा तो बहुत बोलता है, वो लोग तो बोलते रहता है लेकिन करता कुछ नहीं है। कम से कम आपसे आग्रह है यह जो मातृ उद्योग है हमारा, इस जो माता को कभी छोड़ा नहीं जाता है, माँ को का आशीर्वाद दिया जाता है, देश को आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन अगर देश में बैठी हुई हुकूमत अगर इसको चलाना नहीं चाह रही है तो राज को आशीर्वाद देगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ जितने भी मैं मजदूर भाइयों, मैं निश्चित तौर से HEC को लेकर के व्यक्तिगत भी जाने का प्रयास करूँगा, लेकिन इतना आश्वासन जरूर देता हूँ कि क्योंकि हमारे इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, मैं उसका प्रवक्ता, सिर्फ ऐसे चलते में मैं मिलाना आपको नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सकारात्मक बात को, आपकी बातों को समझे, आपकी भावनाओं को समझे। उसमें मजदूर, मैंने कहा आप जो प्रतिनिधि मंडल आए थे, उसमें मजदूर भाई भी रहेंगे, उसमें अधिकारी भाई भी रहेंगे, दोनों का तालमेल से जाएं और अपनी व्यथा को बताएं, अपनी जो बात करनी होगी मैं बताऊंगा। और एक चीज, मैं तो उसी दिन आप लोगों को आगाह किया था, जिस प्रकार से HEC की जमीन को इस प्रकार से बंदरबांट किया जा रहा है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम से, चाहे वो अन्य संस्थानों के नाम से, उसी दिन आप तमाम मजदूर भाइयों को समझ लेना चाहिए था कि अरे HEC के लिए आप क्वार्टर बनाइएगा, HEC के लिए आप हॉस्पिटल बनाइएगा, HEC के लिए आप स्कूल बनाइएगा, तो समझ में आएगा कि आप वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। लेकिन HEC के आप अगर दूसरे संस्थान को देने का काम करेंगे, कहने का मतलब जो नहीं होता है, बाप का जो पूंजी होता है उसको खत्म करने में बहुत लेट नहीं होता है, ये आपके पूर्वजों का यह पूंजी है। यहाँ बहुत कोई अपना खून पसीना दिया, बहुत कोई अपना जमीन जायदाद दिया, तब HEC खड़ा हुआ है, उसका सम्मान हमको और आपको मिल करके करना है। निश्चित रहिए, मैं चाहूँगा कि दोनों का तालमेल से, जिस प्रकार से HEC प्रबंधन के कान जो बंद पड़ा है उसको खुलवाने का आप लोग काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में HEC चाहे जिस रूप में चलना चाहिए तो चलना चाहिए। ये आपको ये करना चाहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।